नमस्कार, अर्थ मैटर्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। आज हम बात करेंगे जंगलों की। जंगल पृथ्वी की पेचीदा इकोसिस्टम्स में से एक है। ये विरासत है हमारी पृथ्वी की। पृथ्वी की नमी बरकरार रखते हैं जंगल। इनसे हमें पानी तो मिलता ही है, पर बहुत सी नदियां भी जंगलों से निकलती हैं। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी अद्भुत है, लेकिन ये सब आज घटते जा रहे हैं मनुष्य की गतिविधियों के कारण। आज हम देखेंगे करीबी से हमारे जंगल और क्या समस्याएं उनके सामने हैं अर्थ मैटर्स में। हमारे ग्रह के करीब 30% हिस्से में जंगल मौजूद हैं। ये पेचीदा पर्यावरण प्रणाली एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जो पृथ्वी पर तमाम जीवन को आपस में बांधे रखती है। सूर्य की ऊर्जा से चलने वाले इस जंगल का एक एकड़ क्षेत्र करीब 6 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर रोजाना लगभग 4 टन ऑक्सीजन छोड़ता है। ये एक ऐसा गतिशील चक्र है जो हमारे ग्रह पर जीवन को लाखों साल से कायम रखता आया है। पृथ्वी पर पहले वृक्ष 36 करोड़ 50 लाख साल पहले पनपे थे। उस समय ये ग्रह जहरीली गैसों से पूरी तरह ढका हुआ था। जैसे जैसे वन पनपते गए, वो विशाल स्पॉन्ज की तरह पृथ्वी की सबसे जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से सोखते गए। उन्होंने भोजन बनाने के लिए सूरज की ऊर्जा और पानी को खींचा और बदले में दी ऑक्सीजन और जल कण। ये दोनों ही पृथ्वी पर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। वन ताजे पानी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वनों से उठने वाले वाष्प कण घनीभूत होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में लगातार बदलते रहते हैं, जिनसे जल धाराएं बनती हैं और वो आखिरकार नदियों को जन्म देती हैं। नदियां लाखों साल से बहती आ रही हैं। इन्होंने पृथ्वी पर मानव सभ्यताओं और अन्य अनेक जीव जंतुओं को पाला है। इसके अलावा वन हवा में अवरोध पैदा करते हैं, बाढ़ों का प्रभाव कम करते हैं, मिट्टी के कटाव और सूखे को रोकते हैं। वन बारिश के पानी के बहाव की गति धीमी करके हमारे भूजल को रिचार्ज करते हैं और नमी को कायम रखते हैं। हमारे वनों में पृथ्वी पर मौजूद कुल प्रजातियों का 67% से ज्यादा हिस्सा बसता है। इसके अलावा यहाँ हजारों स्थानीय जनजातियां भी बसती हैं। ये वो लोग हैं जो शिकार करके और वन उपज इकट्ठी करके सदियों से यहाँ रहते आए हैं। वैज्ञानिक आज भी उस हैरतअंगेज जैव विविधता की पूरी संभावना का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे वनों में मौजूद है। ये ऐसे दुर्लभ और अनूठे औषधीय पौधों का खजाना है जो दुनिया के कुछ सबसे जीवन घाती रोगों का इलाज करने की काबिलियत रखता है। भारत के पश्चिमी तट पर दुनिया के कुछ सबसे पुराने वर्षावन मौजूद हैं। ये है पश्चिमी घाट।
ये 160,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले हैं। ये घाट भारत के दक्षिणी छोर से 1600 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में गुजरात तक फैले हैं। पश्चिमी घाट एक ऐसी अनूठी पर्यावरण प्रणाली को पाले हुए है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। जैव विविधता के इस खजाने में 325 ऐसी प्रजातियां हैं जो दुनिया भर में खतरे से घिरी हैं। इस इलाके को वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व विरासत माना जाता है। यहां पेड़ पौधों की 5,000 से ज्यादा किस्में और पक्षियों की 500 से ज्यादा प्रजातियां हैं। यहां पर कई स्थानीय समुदाय भी बसते हैं। इनमें से कुछ की विरासत तो 5,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये वन ताजे पानी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सैकड़ों नदियां और जलधाराएं पश्चिमी घाट से निकलती हैं। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना जोग फॉल्स इसी वन में है। चरम मानसून के मौसम में इन चट्टानों पर से हर सेकंड 152,000 लीटर से ज्यादा पानी नीचे गिरता है। पानी 830 फुट नीचे गिरकर शरवती नदी में मिलता है और फिर गांवों और शहरों में पहुंचकर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ मौजूद है। ये बारिश के विन्यास को प्रभावित करते हैं और यहीं से मानसून इस उपमहाद्वीप में दाखिल होता है। केवल दक्षिणी भारत में ही 300 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां इन वर्षावनों से जन्म लेती हैं। पश्चिमी घाट से भारत के कुल ताजे पानी का 20% हिस्सा पैदा होता है। पश्चिमी घाट उन नदियों का स्रोत है जो खासकर इस जिले में पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये नदियाँ जीवन का स्रोत हैं। अब चाहे ये बात उन लोगों की हो जो अपने खेतों और पीने के पानी की जरूरतों के लिए इन नदियों पर निर्भर हों, या फिर इको टूरिज्म की बात हो, क्योंकि यहाँ काफी झरने हैं। बदकिस्मती से दुनिया के अन्य कई स्थानों की ही तरह ये अनूठी जैव विविधता वाला स्थान भी आज गंभीर दबाव में है। कृषि के विस्तार, जंगलों के गैर कानूनी और नुकसानदायक कटाव और जंगलों में लगने वाली आग इन वनों पर बहुत बुरा असर डाल रही है। बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। जंगल के बड़े इलाके को लूटा जा रहा है और खेती, खनन और इंसानी बस्तियां बसाने के लिए इनका सफाया किया जा रहा है। पश्चिमी घाट में वन क्षेत्र कायदे से 66% होना चाहिए, पर आज 35% से भी कम जंगल बचे हैं। वन पर्यावरण के नजरिए से संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। ये न केवल प्राकृतिक वन उपज के लिहाज से महत्वपूर्ण संसाधन हैं, बल्कि ये कागज, फर्नीचर और निर्माण उद्योग के लिए लकड़ी भी मुहैया कराते हैं। शोषण और दोहन से जुड़ी तकनीकें ज्यादा तेज रफ्तार और ज्यादा कार्य कुशल हो गईं, जिससे जंगलात वाले इलाके बहुत ही खतरनाक रफ्तार से घटते जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया रोजाना 323 वर्ग किलोमीटर जंगल गंवाती जा रही है, यानी मुंबई जितना बड़ा इलाका। पिछले 30 साल के दौरान
भारत के ज्यादातर प्राइमोर्डियल यानी आदिम और बहुत पुराने जंगल खत्म हो चुके हैं। औद्योगीकरण की शक्ल में बहुत बड़ा खतरा है, खासकर ऊर्जा परियोजनाओं और खनन को लेकर। औद्योगीकरण की इस आंधी से पश्चिमी घाट और मध्य भारत दोनों को ही गंभीर खतरा है। उदाहरण के लिए पिछले 5 साल में मध्य भारत में 26 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले वन इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि वहां कोयले की खुदाई हुई। आज दुनिया में पृथ्वी के केवल 22% आदिम वन ही बचे हैं। इस बात ने वायुमंडल से सोखी जाने वाली कार्बन की मात्रा को प्रभावित किया है। अंधाधुंध औद्योगीकरण, जीवाश्मीय ईंधनों के अविवेकपूर्ण इस्तेमाल और अन्य इंसानी गतिविधियों के कारण हर साल वायुमंडल में 27 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है। इतनी मात्रा को हमारे जंगल संभाल नहीं पाते। इससे पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो रहा है और हमारा ग्रह गर्माता जा रहा है। इससे हमारे ग्रह की समृद्ध जैव विविधता गंभीर रूप से खतरे में पड़ सकती है और पश्चिमी घाट जिस गतिशील जीवन चक्र को संवारता है उसमें भी बाधा पड़ सकती है। According to the projections of कुछ क्लाइमेट मॉडल्स के मुताबिक अगले 50 से 100 साल में पश्चिमी घाट के तापमान में 2.5 से 3.5 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। जलवायु में आए किसी भी बदलाव का असर पश्चिमी घाट पर पड़ता है। इससे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जलवायु में बदलाव और तापमान में वृद्धि का असर यहाँ पहले ही स्थानीय किसानों पर पड़ने लगा है। इधर का खास ये जो व्हाइट इलायची है उसका पैदावार पहले हम लोग इसका 1000 टन तक ये इधर का मार्केट से खरीद के बेच रहे थे। अभी उसका पैदावार बहुत कम हो रहा है क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं गर्मी का मौसम में। बहुत से पेड़ों और फसलों में फूलों का जल्दी आना देखा जा रहा है। तापमान में वृद्धि के कारण फंगाई और कीटों की नई किस्मों में तेज बढ़ोतरी हो रही है जो पेड़ों और पौधों को प्रभावित कर रही है। ये बात फसल के उत्पादन चक्रों और वन उपज को बाधित कर रही है। स्थानीय समुदायों के पास गिने चुने विकल्प ही उपलब्ध हैं, इसलिए वो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए जलावन की लकड़ी इकट्ठी करते हैं। इन वनों से हजारों टन लकड़ी निकाली जाती है। इस दोहन के कारण दुर्लभ पौधों की बहुत सी किस्में और अनेक जीव प्रजातियां खतरे से घिर जाती हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो इससे यहां जीवन का ये गुलजार चक्र गंभीर रूप से छिन्न भिन्न और क्षतिग्रस्त हो सकता है। जलवायु परिवर्तन से जूझने के सिलसिले में जंगल बहुत अहमियत रखते हैं। अगर हम जलवायु परिवर्तन से जूझ नहीं पाएंगे तो अपरित जलवायु के कारण मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसके कारण बाढ़ें आएंगी, सूखा पड़ेगा, तूफान आएंगे, समुद्र का स्तर बढ़ेगा। हमें बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ियां नजर आएंगी क्योंकि जलवायु परिवर्तन के नतीजे में बहुत से लोग एक से दूसरी जगह जा रहे हैं। यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं, कोई हिमालय पर्वत नहीं, बट 300 से अधिक नदियाँ इन जंगलों से निकलती हैं और 30 करोड़ से अधिक लोगों को पानी देती हैं, फसलें उगाने के लिए, पीने के लिए। अगर ये जंगल विलुप्त हो गए तो ये नदियाँ भी सूख जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, तो उस समय एक भयंकर आपदा आन पड़ेगी। उस समय क्या होगा ये सोचने की बात है। पानी और आहार सुरक्षा पूरी दुनिया में गंभीर चिंता का विषय है। आज पूरी दुनिया में 1 अरब 32 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहुंच पीने के साफ सुरक्षित पानी तक नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पूरी दुनिया में 2020 तक ऐसे लोगों की संख्या 2 अरब 50 करोड़ तक पहुंच जाएगी जो पानी की गंभीर कमी झेल रहे होंगे। वन पृथ्वी के जल चक्र के मुख्य संचालक हैं और ये आहार सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं।
ये भूजल को रिचार्ज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके जरिए पानी वापस पृथ्वी में जज्ब हो जाता है और इस तरह ये जमीन के नीचे मौजूद पुराने जल भंडारों को बहाल करते रहते हैं। ये एक ऐसा वहनीय चक्र है जो सदियों से यूं ही चला आ रहा है। वनों की गैर मौजूदगी में कम वाष्पीकरण होगा और उससे कम बारिश होगी। ये थोड़ी बारिश भी बंजर ढलानों से नीचे बह जाएगी और जमीन में जज्ब नहीं हो पाएगी। अगर जंगल गायब हो गए तो पश्चिमी घाट की नदियां भी जल्दी ही सूखने लगेंगी। वनों और पानी के बीच के इस संबंध को अभी ज्यादा लोग नहीं समझते हैं। पश्चिमी घाट के आदिम वन गोवा की जीवन रेखा है और वहां की पानी की जरूरत के सिलसिले में बेहद महत्वपूर्ण प्राकृतिक जलधाराओं के सूखते जाने से किसान कोई भी फसल उगा नहीं पा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में तो पीने का पानी भी नहीं है। किसानों के हजारों परिवारों और स्थानीय समुदायों का भविष्य दांव पर लगा है। ऐसे ही हालात कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा वाले पश्चिमी घाटों के ढलानों पर देखने को मिल रहे हैं। खुली खानों के कारण घने वन वाले इलाकों का सफाया कर दिया गया है, जिससे जल प्रणाली और नाजुक पर्यावरण प्रणाली तहस नहस हो गई है। हमारे वनों को फौरन बचाए जाने की जरूरत है और साथ ही जहां कहीं भी मुमकिन हो इस असंतुलन को फिर से बहाल करने की भी आवश्यकता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम सभी इन हालात से प्रभावित होंगे। हमारी जिंदगियां भी इन वनों पर निर्भर हैं। अगर हमें हालात में बदलाव लाना है तो हम में से हर एक को कोशिश करनी होगी और इसके लिए उपलब्ध संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा। कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और फसलों को पानी चाहिए। सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाला 90% पानी भूजल भंडारों से ही आता है, लेकिन बेहद चिंता की बात यह है कि पूरे भारत में ही भूजल का स्तर गिरा है। पिछले 3 दशकों के दौरान ऐसी फसलों को उगाया गया जिन्हें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसी कारण हद से ज्यादा भूजल बाहर निकाला गया। कुछ स्थानों पर तो आज किसानों को जमीन से पानी निकालने के लिए 2 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है। कृषि क्षेत्र को कृषि की आधुनिक तकनीकें अपनानी चाहिए और पानी का इस्तेमाल ज्यादा अकलमंदी और कार्य कुशलता से करना चाहिए। अनियंत्रित और लापरवाह सिंचाई तथा पानी के भाप बनकर उड़ने से पानी का बहुत नुकसान होता है। स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली जैसे सरल तरीकों से पानी की खपत 75% तक और बिजली की खपत 80% तक घटाई जा सकती है। पानी बचाने की एक बेहद असरदार विधि है बारिश के पानी का संचय। इसका मतलब है कि बारिश के पानी को इमारतों की छतों पर और जमीन में इकट्ठा करना, ताकि इसका बाद में इस्तेमाल किया जा सके, या फिर इसे जमीन में जज्ब होने देना ताकि जमीनी पानी का स्तर बहाल हो सके। पानी की ये बचत बेहद मामूली महसूस हो सकती है, लेकिन आप पानी की जो भी बूंद बचाते हैं उससे बहुत बड़ा अंतर पैदा होगा। याद रखिए, हमारे वनों में इकट्ठी होने वाली पानी की यही बूंदें दमदार जोग झरने को जन्म देती हैं। सौर ऊर्जा और हरित कीटनाशक जैसी पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के इस्तेमाल और स्थानीय समुदायों में मधुमक्खी पालन के जरिए वनों पर से दबाव कम करने में मदद मिलेगी। पश्चिमी घाट के कुछ खास हिस्सों में समुदाय वनों की लकड़ी के बजाय वैकल्पिक ईंधन के तौर पर बायोगैस के इस्तेमाल की शुरुआत कर रहा है। ये कोशिश कामयाब साबित हो रही है और इससे स्थितियों में परिवर्तन आने लगा है।
हमें ये समझना होगा कि जंगलों और पानी को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये हमारे ग्रह की जीवनी शक्ति है। वन लाखों साल से चुपचाप हमें पानी मुहैया कराते आए हैं और पालते आए हैं। हमें प्रकृति के एक दूसरे पर निर्भर जीवन चक्र को समझना होगा, जिसमें हर प्रजाति, पृथ्वी पर मौजूद हर जीव जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। इंसान भी जीवन की इस श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। अगर हमें अपना भविष्य सुरक्षित बनाना है तो हमें हमारे वनों की अंधाधुंध हो रही लूट को रोकना होगा, क्योंकि यही जीवन की बुनियाद है। अगर पृथ्वी पर से वन खत्म हो गए तो इस पर से जीवन का अस्तित्व भी सदा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे ग्रह का इतिहास इस तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। वन आज भी हमारे ग्रह के एक तिहाई भू क्षेत्र पर मौजूद हैं। इन्हें अब भी बचाया जा सकता है और इन्हें जो क्षति हुई है उसे दूर किया जा सकता है। प्रकृति बेहद धैर्यवान और लचीली होती है। इसे तो बस अपनी वापसी करने के लिए एक मौका चाहिए। हमारा भविष्य खुद हमारे अपने हाथों में है। जंगलों को हरा भरा रखना, इसकी बायोडाइवर्सिटी बरकरार रखना बहुत जरूरी है। जंगलों से पृथ्वी को, हम सबको बहुत से फायदे हैं। लेकिन ये किसी एक आदमी, एक सरकार का काम नहीं। बदलाव उसी समय आते हैं जब सब लोग, हर एक इंसान, आप, हम सब मिलकर एक प्रयास करें, छोटे छोटे कदम लें, तभी जाकर बदलाव आएगा। जो निर्णय हम आज लेंगे उसी पर निर्भर करता है आपका भविष्य, पृथ्वी का भविष्य, हम सबका भविष्य, आपके बच्चों के बच्चों का भविष्य। और अब समय आ गया है साप्ताहिक क्विज का। हमारा आज का सवाल है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? अपने जवाब एक हफ्ते के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है, अर्थ मैटर्स, पीओ बैग नंबर 3, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली 110048। और हमारा ईमेल आईडी है dd.earthmatters@gmail.com। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा अर्थ मैटर्स की तरफ से एक टी शर्ट और सर्टिफिकेट, और 10 विजेताओं को अर्थ मैटर्स के फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट। आज का हमारा प्रोग्राम बस यहीं ख़त्म होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, एक नई जगह पर, एक नए मुद्दे पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।